और हमारे फ्रेंड हमारे दोस्त मित्र समझ लिए जो भी समझ लिए रास्ते में जा रहे थे और हमें मिले हैं, तो हम थोड़ा सा इनका परिचय जानना चाहते हैं। बहुत दूर से आए हैं और जो अयोध्या गए थे साइकिल से। ये देखिए साइकिल, थोड़ा सा नाम और एड्रेस पूछते हैं। भैया आपका घर कहाँ है? मेरा नाम MTV मनीष और मैं रहने वाला हूँ ग्राम गंगापुर ब्लॉक, मेरा मिश्रोम पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट बहराइच उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। और अभी मैं निकला था 16 तारीख को अयोध्या के लिए और अयोध्या जाके पूरा घूम के जो वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा का जो भी कार्यक्रम था तो संपन्न हुआ। इसके बाद अब हम वापस जा रहे हैं घर के लिए और रास्ते में भैया मिल गए हमें, तो बहुत अच्छा लगता है हमें भी कोई रास्ते में मिल जाता है तो, और काफ़ी हेल्पफुल होता है हमारे लिए। और मैं तो काफ़ी लंबी टूर करता हूँ, यहाँ से भूटान तक का सफ़र मैंने तय किया है और इधर नेपाल पहुंच गया हूँ, पाकिस्तान इंडिया का बॉर्डर अटारी बॉर्डर, मतलब मैं ट्रेवलिंग करता रहता हूँ। और मेरा यूट्यूब पे पेज है MTV मनीष, तो वहाँ जाके आप फॉलो जरूर कर लेना और भैया के पेज को भी जरूर फॉलो करके लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। तो भैया जैसे बता रहे हैं कि ये साइकिल से यात्रा करते हैं, बहुत अच्छा लगा हमें क्योंकि बहराइच से बहुत दूर से चल के आए हैं और बाय साइकिल से, और ये अलग अलग राज्यों में भी गए हैं। और कहाँ कहाँ गए हैं आप, थोड़ा सा डिटेल में बताइए, थोड़ा अनुभव बताइए अपना। अभी तो मैं पंजाब हरियाणा लुधियाना उधर मैं पूरा कवर किया था और बदायूं होते सजानपुर उधर मैं पूरा कंप्लीट कर लिया हूँ। फिर नेपाल दो राउंड चला गया हूँ और मैं कंपटीशन करता हूँ, साइकिल का कंपटीशन यहाँ पे होता है, वहाँ भी हमें इन्वाइट किया जाता है। और नेपाल में मैं भी जाके कंपटीशन खेला हूँ और वहाँ पे प्राइज भी लेके आया हूँ। और मैं भूटान तक पहुँच गया था, दार्जिलिंग भी पूरा मैंने ट्रैवल किया है। वो सफ़र हमारा 1.5 महीने का था, 1.5 महीने में पूरा हुआ। और ये सफ़र तो बस मिनिमम 15 दिन का था, तो ये अप डाउन में 15 दिन में कवर हो जाएगा। और अभी घर के लिए हम निकल गए और भैया को भी काफ़ी आप लोग सपोर्ट कीजिए, यूट्यूब पेज को इनके फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है सफ़र विनय का। और भैया थोड़ा सा ये बताइए, कोई मुश्किल तो नहीं पड़ता रास्ते में आने जाने में या कोई ऐसी समस्या? रास्ते में मुश्किल नहीं पड़ता, लेकिन अपना पूरा व्यवस्था लेके चलना पड़ता है क्योंकि होटल ढाबा के सहारे हम चल तो सकते हैं लेकिन कहीं कहीं पे ऐसा हो जाता है कि जंगल उंगल के साइड में पहुँच गए तो उधर कुछ मिलता नहीं है, तो अपना संग में पूरा टेंट से लेके हर चीज़ बिस्तर उस्तर सब कुछ नॉर्मल लेके चलना पड़ता है कि कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और रास्ते में कुछ लोग भी मिलते हैं जो निगेटिव होते हैं, कुछ पॉजिटिव होते हैं, तो ज़्यादातर पॉजिटिव मिलते हैं, निगेटिव कहीं कहीं आपको मिल जाएंगे तो मिलते रहेंगे लेकिन पॉजिटिव ज़्यादा मिलते हैं क्योंकि प्रोत्साहन उन्हीं से मिलता है। तो जैसे घर से बाहर निकलने के बाद ये नहीं पता लगता कि हम घर से बाहर निकले हैं या घर पे, बिल्कुल समान रहता है, जो घर पे माहौल रहता है वही घर के बाहर भी रहता है, तो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है घूमने में। तो भैया का कह रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ता, जैसे घर है वैसे बाहर भी है, बस कुछ चंद लोगों को छोड़ के बाकी सब पॉजिटिव रहते हैं। और हम थोड़ा इनके साइकिल का मुआयना कराते हैं, ये आम साइकिल नहीं है, ये साइकिल देख लीजिए, पूरा साइकिल आपको दिखा रहे हैं। और ये तिरंगा देखिए, तिरंगा झंडा लगा हुआ है पूरा, हम चारों तरफ से दिखा रहे हैं और इसी से यात्रा करते हैं। और ये कहाँ का साइकिल है थोड़ा सा बताएंगे, थोड़ा सा ये भी बताइए। ये साइकिल हमारा कनाडा का ब्रांड है और ये कनाडा इंडिया नेपाल तीन कंट्री के लिए अवेलेबल है और ये हमें पड़ गई थी 50,000 की। तो जैसे जितना आप बेस्ट साइकिल लोगे तो चलने में इजी रहेगा, नॉर्मल साइकिल से भी चल सकते हैं लेकिन ज़्यादा चलाने में थक जाएंगे। और इसे 200-250 राहत रहता है थोड़ा चलाने, 200-250 किलोमीटर एक दिन में कंप्लीट कर लेंगे। और देखिए भाई कैमरा भी लगा है भैया का, जो बताता रहता है हमेशा, कैप्चर करता रहता है हर एक चीज़, वीडियो बनाते रहते हैं कि ये जंगल और पहाड़ों में बहुत दूर दूर जाते रहते हैं। तो इनका अनुभव ये बहुत अच्छा लगा। और भैया यहीं बहराइच के, हम भी गोंडा के हैं तो पड़ोसी भी हुए हमारे, तो जा रहे थे तो देखे तो थोड़ा सा माहौल अच्छा लगा थोड़ा सा, क्योंकि अयोध्या का। भैया के चैनल को सपोर्ट जरूर करना, सब्सक्राइब करके लाइक कमेंट जरूर करना और शेयर जरूर करना। ओके भैया धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।